हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूही एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश मंत्रा। जीके डेली डोज, जैसे कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं और डेली हम लोग जीके डेली डोज के 20 क्वेश्चंस आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। तो जो 20 क्वेश्चंस या फिर 25 क्वेश्चन किसी दिन डिस्कस करते हैं, तो वो आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट सेक्शन में जो हमने क्वेश्चन पूछा है, लास्ट वाला, उसका आंसर देखते हैं। तो लास्ट सेक्शन में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर है आप लोगों के पास, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है तो कौन सी है, गोमतेश्वर। ओके, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर दिया है और क्या राइट आंसर था उनका। सो फ्रेंड्स, ये दीपक कुमार, आज फिर से इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि इन्होंने बताया है इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में है। और मैं आपको एक बार गोमतेश्वर की कंग्रेचुएशंस दीपक कुमार एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट इस क्वेश्चन को देख, आप लोग इसको देख लीजिए। गोमतेश्वर जो मंदिर आप लोग को दिख रहा है, ये आपको मंदिर है, ठीक है। ये जो मूर्ति है, पत्थर से बनी हुई मूर्ति, ऐसा माना जाता है कि पत्थर से बनी हुई ये 17 मीटर या फिर 58 फीट बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। गोमतेश्वर में ये पत्थर से बनी हुई विश्व की सबसे ऊँची मूर्ति है। ओके, तो ये आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो वेल्थ ऑफ जो नेशन पुस्तक है उसके लेखक हैं एडम स्मिथ। ओके, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो सिंचाई का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है भारत में, वो नहरें हैं। ओके, आप सभी लोग जानते हैं नहरों से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देश में राष्ट्रीय न्यादर्स मतलब NSS की स्थापना कब हुई। तो ठीक है, राष्ट्रीय न्यादर्स की स्थापना कब हुई, तो ये इसका आंसर होगा आपके पास 1950 में, मतलब 1950 में हुई थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का पूछा है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आपको पता होना चाहिए कौन है, चीन है। ओके, चाइना के फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं, कहते हैं ना हम लोग कि चाइना के फ़ोन हैं, चाइना चल नहीं पाएगा ज़्यादा दिन, इस तरीके से। तो चाइना क्या है, सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है। तो अधिकतम जो कर आय है वो किससे प्राप्त होती है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी निगम कर, सबसे ज़्यादा निगम कर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है। तो सुंदर राजन जो समिति है उसका संबंध पेट्रोलियम से है। ओके, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे गहरा बंदरगाह पूछा गया है, ठीक है। तो गहरा कौन सा है, आप लोग को पता होना चाहिए, विशाखापट्टनम, ठीक है। कौन कैसा है, सबसे गहरा बंदरगाह है। ओके, और अगर बात करें सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, तो 7 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। तो हार्ड करेंसी किन देशों की मुद्रा होती है, तो ये होती है विकसित देशों की। ओके, विकसित देशों की मुद्रा कैसी होती है, हार्ड करेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है हमारे पास ए, कार्ल मार्क्स, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। भारत में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है। तो भारत में जो कोयला है उसकी सबसे मोटी जो परत है वो सिंगरौली में पाई जाती है। ओके, सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है, बेला डीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, विशाखापट्टनम से निर्यात किया जाता है ये लौह अयस्क। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है। तो उद्योग कौन सा है, प्राचीनतम विशाल उद्योग की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, सूती वस्त्र उद्योग। गाइज, मैं सभी आप लोग के सामने सभी ऑप्शन नहीं पढ़ती, या फिर मैं इसका इसलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो कुछ लोग को सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए इतना चाहिए होता है, तो कुछ को नहीं, आप लोग भी पढ़िए और ये अच्छा लगेगा। आप एक दो बार पढ़ेंगे, छोटी वीडियो होगी, तो आपको ये सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय जो रेलवे है उसका विश्व में द्वितीय स्थान है, ओके द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय रेलवे कितने जोन में मतलब विस्थापित है? तो भारतीय जो रेलवे है वो कितने जोन में विस्थापित है, आपका ऑप्शन नंबर ए 17 जोन में विस्थापित किया गया है इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो आर्थिक जो नियोजन प्रारंभ हुआ है आपका, ये आपका है 1 अप्रैल 1951, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कब किया गया था, 1935 सभी को पता होगा, है ना, सभी को पता है, 1900 भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात की गई है, स्थापना की बात नहीं की गई है, तो 1949, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो ज्ञान प्रकाश जो समिति है उसका संबंध किससे था, तो ये है चीनी घोटाला से था, ठीक है, चीनी घोटाला, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? तो सर्वाधिक मतलब जो है मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है ये बोला गया है, तो कौन से देश को होता है, ये होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को होता है, ओके। आभूषणों का निर्यात सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है, सॉरी, ठीक है, तो ये पूछा गया है आपसे, GIC, LIC, FIC, बैंक प्लान, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग के पास चार ऑप्शन हैं और क्वेश्चन मार्क उत्तर में क्वेश्चन मार्क मतलब कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश किया करो ताकि आप लोग का कमेंट भी मैं यहाँ पर बोल सकूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में गाइज इसको शेयर कर दें, ठीक है। आप लोग की तरह और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी, तो डेली की अगर डेली डोज में आप लोग 20-20 क्वेश्चन करते जाएंगे तो इससे आपके आने वाले अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और सीरियसली इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, आप डेली अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा इससे, ठीक है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट गाइज़।